Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पापा के प्यार को तरस रहा और दूसरी तरफ पापा जी अपनी नाराजगी में अपनी तड़प छुपा रहे हैं। हे माता रानी, इन दोनों ने मिला दो, मैं समझूंगी कि मेरी तीर्थ यात्रा नहीं सफल हो गई। जब से इसने उस लड़की से शादी की, लगातार रोज तुम्हें हर्ट कर रहा है और तुम लोग इसकी तरफदारी कर रही हो। और आज देखो, आज इसने ये क्या किया, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूरी कंपनी घर वालों के सामने इसने अपनी ही कंपनी के पैसे चुरा लिए। और तुम कहती हो कि मैं इसे माफ कर दूं, इसे माफ कर दूं मैं। पापा जी, ये जो कह रहा है वो सचना है, झूठ बोल रहा है। पैसे इसने ना चुराए बल्कि असली चोर तो। बस बेटा, अब मैं तुम्हारे मुंह से इसके लिए एक भी शब्द और तरफदारी में सुनना नहीं चाहूंगा। देखो, बड़ा दिल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत आदमी का साथ देना बहुत गलत बात है। और जो गलत लोग होते हैं ना, उन्हें आपकी अच्छाई नजर नहीं आती, वो सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। बोला तूने, जो क्या किया तूने, नीलू का सारा दोष अपने मत्थे ले लिया। इतने दिनों से पापा जी की माफी के लिए तरस रहा था तू, आज वो मौका आया तो तूने नीलू के लिए। नीलम मेरी पत्नी है, उसके बारे में ना तुम कुछ कहोगी ना मैं कुछ सुन सकता। जो हो गया हो गया। मीत, मेरी बात सुन, तूने ऐसा क्यों किया, तन्ने मुझे बताना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तन्ने मेरे से बात करनी होगी और जवाब भी देना होगा। मीत, मैं कुछ कह रही हूँ। क्यों बोला तूने पापा जी के सामने कि पैसे तूने चुराए ऑफिस से, जबकि असली चोर। क्योंकि पैसे मैंने चुराए थे। क्योंकि नफरत करता हूं मैं तुमसे। क्योंकि तुम इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो। बार बार तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मेरा खून खौलता है। मुझे छुटकारा चाहिए तुमसे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मिल गया जवाब तुम्हें। पापा
डैड ने तुम्हें अपना बेटा माना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ो। तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था मैं, और ऐसा करने का अगर दोबारा मौका मिलेगा ना मुझे, मैं फिर से ऐसा करूंगा। तूने अपने ही ऑफिस में चोरी की ताकि इल्जाम तो मीत बहू पे लगा सके? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? तो इस हद तक नहीं मीत, मीत भैया आपने, आपसे ही उम्मीद नहीं थी। मीत ये तो क्या बोल रहा है बेटा, मीत बहू से इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों? समदन जी, इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? दामाद जी ने वही किया जो उन्हें जरूरी और सही लगा। जब नया रिश्ता पनप रहा हो ना, तो पुराने रिश्ते की जड़ को तो काटना ही पड़ता है। पहले मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, अब मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। देखो, और कुछ करना चाहती हो? और कुछ जिससे तुम्हें अच्छा लगे, सुकून मिले? प्लीज बस करो और मेरा पीछा मत करना। आज दामाद जी ने नीलू की गलती पे पर्दा डाला, सबके सामने उसके माथे के दाग लगने से बचा लिया। ये उनके नए रिश्ते की शुरुआत ही तो है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।